हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू द चैनल। वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट 2023 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। डाउट ये है कि क्या जैसे जो सी टेट के स्टूडेंट्स थे, जो वैलिड थे फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ईयर, क्या यूपी टेट में भी वैलिड होंगे? तो इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यहाँ पर आपका था जो NCTE का नोटिफिकेशन, जो कि स्पेशली हम बात कर रहे थे जो सब्जेक्ट, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन CTET। बात यहाँ पर सेंट्रल टेट की हो रही थी, स्टेट टेट्स के बारे में यहाँ पर जो बात है वो नहीं हुई है। यहाँ पर CTET में सिंपली ये लिखा हुआ था कि लास्ट ईयर में, और इवन जो बच्चे अगर आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो वो तब से ही वैलिड रहेंगे CTET देने के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हों या फिर लास्ट ईयर में हों। बट यहाँ पर बात अगर हम करते हैं यूपी टेट को लेकर, तो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो अभी आना बाकी है। बाकी सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जो स्टेट है वो इस चीज़ को अलाउ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि सेंट्रल में तो आपका यहाँ पर वैलिड है, बट जो स्टेट टेट्स हैं वहाँ पर वो नोटिफिकेशन में इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि लास्ट ईयर और बाकी की जो शुरुआत से जितने भी ईयर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो क्या वो बच्चे एलिजिबल होंगे या नहीं। अभी जो यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूपी टेट के लिए वो है आपका अपियरिंग और पास। यहाँ पर आप प्राइमरी लेवल पर देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, या तो पास होना चाहिए या अपियरिंग में। अपियरिंग का मतलब आप फोर्थ ईयर में होनी चाहिए, आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आप वैलिड होंगे। तो क्या फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस है। जूनियर में भी सिंपल सी बात यही है कि अगर आपका बैचलर डिग्री आप पास हैं या अपियरिंग है तो आप वैलिड हैं। एग्ज़ाम देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों ही ईयर के बच्चे दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक आप ये कन्फर्मेशन नहीं है यहाँ पर कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वैलिड होंगे कि नहीं। बट अगर आपको प्रैक्टिस के लिए देना है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, लेकिन वो इनवैलिड रहेगा। तो फिलहाल फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही ये अभी वैलिड है। जो फाइनल नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ ईयर हैं वो तो हैं ही वैलिड, तो पहले तीन साल के जो बच्चे हैं वो वैलिड होंगे या नहीं। तो अगर आपने CTET का भी एग्जामिनेशन दिया है तो आप यूपी टेट की भी तैयारी करते रहिए, सो दैट आप चीज़ें भूलें नहीं, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस के लिए भी जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं। सो दिस वॉज अ वीडियो, आप अपनी जो लगातार स्टडीज़ हैं वो करते रहिए सो दैट आप चीज़ों को भूलें नहीं। ऑल्सो अगर वैलिड नहीं होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए तो भी आप अटेम्प्ट तो दे ही सकते हैं, फॉर प्रैक्टिस आप बिल्कुल जा सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। स्पेशली अगर BLED वाले स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। सो दिस वॉज अ वीडियो, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।